बीते दिनों रिलायंस जियो के द्वारा रिचार्ज के दाम बढ़ाए जाने के कारण देश भर में नाराजगी की लहर दौड़ रही है। सोशल मीडिया पर लोग खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और आज ट्विटर पर हैशटैग बायकॉट जियो ट्रेंड कराकर अपना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही भारतीय सरकार की टेलीकॉम कंपनी BSNL के समर्थन में हैशटैग BSNL में पोर्ट करो भी ट्रेंड हो रहा है। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस जियो ने हाल ही में टैरिफ बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिससे उनके सभी प्लान्स की कीमतें बढ़ गई हैं। इसके तुरंत बाद भारतीय एयरटेल और VI ने भी कीमतों में 25% तक की बढ़ोतरी की। नए प्लान 3 जुलाई से लागू हो गए। रिचार्ज महंगे होने पर बीते दिनों से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। कुछ यूजर्स जियो को बायकॉट करने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं लोगों का मानना है कि BSNL के कमजोर होने के कारण प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां मनमानी कर रही हैं, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। देश में सबसे ज्यादा यूजर्स जियो के हैं, इसके बाद एयरटेल और फिर VI। डेटा रिचार्ज की कीमतें बढ़ने के बाद सभी उपभोक्ताओं पर इसका सीधा असर पड़ेगा। लोग इस बात से चिंतित हैं कि टैरिफ बढ़ोतरी के चलते उनके मासिक बजट पर भार पड़ेगा। ट्विटर पर हैशटैग बायकॉट जियो और हैशटैग BSNL में पोर्ट करो ट्रेंड कराकर लोग अपनी नाराजगी जताने के साथ ही BSNL की ओर रुख करने का संकेत दे रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन ने सरकार और टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उपभोक्ता महंगाई के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। सोशल मीडिया पर छिड़ी इस बहस के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि टेलीकॉम कंपनी और सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या कदम उठाती है। जियो के विरोध में लोगों के द्वारा आज सुबह से ही एक्स पर हैशटैग बायकॉट जियो ट्रेंड हो रहा है, जिसमें लोगों के द्वारा अलग अलग तरह से विरोध किया जा रहा है। यूजर हंसराज मीना ने लिखा, मुफ्त नेट देकर पहले लोगों को आदत लगाई, अब जियो 10 गुना वसूली कर रहा है। टेलीकॉम बाजार में कंपनियों की ये मनमानी लूट नहीं चलने देंगे, हैशटैग बायकॉट जियो। ट्रिपल आर्मी नाम के यूजर ने लिखा, जिस देश का राजा प्राइवेट कंपनियों का प्रचार करता हो, उस देश की सरकारी कंपनियों का बेड़ा गर्ग होना स्वाभाविक है। हैशटैग BSNL में पोर्ट करो, हैशटैग बायकॉट जियो। यूजर दीपक सिंह ने लिखा, शादी तुम्हारी खर्च वसूली हमसे, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, हैशटैग बायकॉट जियो। नई टैरिफ दरों के आगे होने से अपने बजट में बदलाव करना पड़ सकता है। लोगों का मानना है कि इस बढ़ोतरी का प्रभाव उनके दैनिक जीवन पर भी पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल डेटा और कॉल्स अब और महंगे हो गए हैं। तो वहीं BSNL के समर्थन में बढ़ती आवाजें और BSNL में पोर्ट करो का ट्रेंड ये संकेत दे रहा है कि लोग अब सरकारी टेलीकॉम सेवा की ओर रुख कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां BSNL की कमजोर स्थिति का फायदा उठा रही हैं और मनमानी कीमतें वसूल कर रही हैं। इस विरोध और नाराजगी को देखते हुए टेलीकॉम कंपनियां और सरकार को उपभोक्ताओं की आवाज को सुनना होगा और उचित कदम उठाने होंगे, ताकि जनता पर वित्तीय बोझ कम किया जा सके। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर क्या निर्णय लिए जाते हैं और कैसे उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की जाती है।